ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले वो करेंगे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फैट सोल्यूबल। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फैट सोल्यूबल। आपके जो आंसर हैं ये है आपके हाँ जी ए है आपके कोर्टिसोल, बी है आपके T3 T4 थायराइड हार्मोन है जो, ठीक है, सी है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, डी है आपके ऑल ऑफ अबोव। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन पे टूट पड़िए और बुरी बना दो क्वेश्चन से सॉल्व कर करके उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिफ्रेश कीजिए सभी स्टूडेंट, जिससे कुछ स्टूडेंटों को अभी चलना शुरू हुआ है। जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोग भी जुड़ जाए हमारे साथ। हाँ जी, तो आपने इसका आंसर बताया जो है, देखो आपकी कोई गलती नहीं है आंसर बताने में भी, वैसे भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलो इस क्वेश्चन पे के आंसर पे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी। कैसे होगा डी? देखो कल हमने जो पढ़ा था उसके अंदर थोड़ा सा आपको अपडेट करना है, थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है, एक उस पर छोटी सी बात करनी है, ठीक है। हॉर्मोन्स को आपको जो सोल्यूबिलिटी ऑफ हॉर्मोन करके आप पॉइंट डाल सकते हो एक, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, ऐसे करके आप डाल सकते हो, ठीक है। उसमें जैसे हम रख रहे हैं फैट सोल्यूबल हॉर्मोन, ठीक है, उसके अंदर तीन रखेंगे स्टीरॉयड हॉर्मोन आपके, कौन कौन से स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, जो लिपिड ड्राइव है, सारे के सारे लिपिड डिराइव्ड हैं वो, ठीक है। इसके अलावा आपके T3 एंड T4 ट्राई आयोडो थायरोनिन और थायरोक्सिन, T3 T4 और NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक हॉर्मोन की तरह काम करता है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है,
टेंशन मत लो। हाँ जी, वेजोडाइलेशन कराता है ये, तो ये पूरे के पूरे फैट सोल्युबल हार्मोन है आपके, जो दूसरे बचेंगे वो वाटर सोल्युबल के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, जो दूसरे बचेंगे वो किस में रखेंगे, वाटर सोल्युबल के अंदर रखेंगे। N2O नहीं है, NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेशन कराती है। ठीक है, एक तरह का हार्मोन की तरह काम करती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो कल हमने कुछ इसमें थायरोक्सिन हार्मोन को वाटर सोल्यूबल बोल दिया था गलती से। ठीक है, वो उसको करेक्ट कर लो। थायरॉइड वगैरह ये क्या है, फैट सोल्यूबल है सारे के सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके आता है, कल हमने हाइपोथैलेमस से के हार्मोन याद किए थे, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपोथैलेमिक के थैलेमस के हार्मोन। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन से हमने स्टार्ट किया था, एक बार वो हमको याद करने हैं। फिर हम किस पे चलेंगे, एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन देखो, सबसे ऊपर रखेंगे हाइपोथैलेमस। पुराने जमाने में भले ही पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हो, बट एक्चुअल में मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो सोचिए हाइपोथैलेमस जो 9 हार्मोन रिलीज करता है आपके, कितने, 9 हार्मोन रिलीज करता है, और दूसरा जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये कितने हार्मोन का सिंथेसिस करती है, 7 हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस 9 हार्मोन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये 7 हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है। ठीक है, सिंथेसिस पढ़ रहे हैं हार्मोन्स का। ठीक है, सिंथेसिस। हाँ जी, हाँ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, 9 हार्मोन्स, कैसे, ट्रिक बताई थी कल, द गर्ल मेक परफेक्ट क्रेजी। ठीक है, क्या था ट्रिक, याद करो, द गर्ल मेक परफेक्ट क्रेजी। इसमें मेन जो पॉइंट था वो कौन सा है, गर्ल। ठीक है, ये गर्ल। ठीक है, तो इससे 3 हार्मोन है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, 3 हार्मोन है इससे। ठीक है, टी से याद रखा था हमने, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, हाँ, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन TRH। ठीक है, फिर था GnRH गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर था आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग से शुरू किया था, रिलीजिंग पे खत्म करेंगे। ठीक है, और क्या था, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, 3 जी से थे, एम से आपके था, ओ था आपके MIH मेलेनोसाइट इनिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, पी से था आपके PIH प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, और सी से था आपके कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो 7 तो ये हो गए, 7 हार्मोन तो ये हो गए, 2 और है हमारे पास, कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि 9 हार्मोन बना रहा है हाइपोथैलेमस आपके। ठीक है, जो मेन हमारे इधर के हैं। ठीक है, मेन, ठीक है, कौन कौन से हैं आपके, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GN से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन
इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलनसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ये भी तो बनते तो हाइपोथैलेमस में ही है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के को याद रखना था कैसे, फ्लैट पेग से। ठीक है, पिट्यूटरी को याद रखना था किससे, फ्लैट पेग से, एफ एल ए टी पीई जी, मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, फ्लैट पेग। ठीक है, इनके भी क्वालिटी बताई थी, वेलकम कौन सा है, फ्लैट कौन सा है। ठीक है, हाँ जी, एफ से क्या था, एफ से था आपके फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ए से था एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, टी से था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, पी से था आपके प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ई से था आपके एंडोर्फिन, एंडोर्फिन, और जी से था आपके ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इंटरमीडिएट से अलग से याद रखना था, इंटरमीडिएट लोब से, इंटरमीडिएट लोब से जो था वो था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पोस्टीरियर तो हार्मोन बनाता ही नहीं है। ठीक, तो ज्यादातर बुक्स में एमएसएच को इधर ही पढ़ा हुआ है, एक देखो इसका रोल बहुत कम है एंडोर्फिन, तो इसको हटा के एमएसएच लगाया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये हो गया आपके हॉर्मोन्स का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, 9 और ये 7, आगे चलते हैं। अब एक एक चीज को हमको डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक चीज को हमको डिस्कस करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये आपके हॉर्मोन्स है, आगे चलूं, हाँ या ना बोलो जल्दी। कल बताया हुआ है ये तो, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। अब एक एक हार्मोन की बात करते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन से शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो ग्रोथ हार्मोन से शुरू करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कई बुक्स में ऐसे भी लिख रखा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिन। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिन, नॉन एज सोमेटोट्रोफिन, नॉन एज सोमेटोट्रोफिन। ठीक है, तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन, ठीक, ये आपका ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, देखो पहली बात तो कहां से रिलीज हुआ है आपके, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, कहां से रिलीज हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये आपके बहुत सारे काम करने हैं इसको। ठीक है, क्या क्या काम करेंगे उसकी भी बात सुनेंगे, पहले सुनिए कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कब होगा उसकी बात करें, जब हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देगा।
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से आपके जो हार्मोन आएगा वो कौन सा आएगा, आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ठीक है। और GHRH इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक। और ये इनहिबिशन किस कैसे होगा, इट इज इनहिबिटेड बाय, रुकेगा कैसे, इनहिबिटेड बाय ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जब रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये भी आपके कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्या, इसको रिलीज को कम कर देगा, ठीक है, डिक्रीज कर देगा इसके रिलीज को। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इसके रिलीज को, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनकी आपको बात करना है, ठीक है। देखो पहली बात याद रखो, ग्रोथ हार्मोन क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिन, क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है किसे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से, ठीक है। और किससे आपके इनहिबिट होता है, हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसकी बात करें, ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन, ठीक है। तो ये एक पिक्चर आपको याद रखना है, ठीक है, सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन, हाँ जी, क्लियर होते, वीडियो क्लियर होते मेरे को आप बताएं, जिससे मैं आगे इस पे बात करूं, शायद पॉज हो गया है वीडियो, सोमेटोक्राइनिन, हाँ जी क्लियर है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, देखिए ये मेनली काम करता है आपके लीवर पे और जो अदर सेल्स हैं हमारी उन पे, ठीक है, स्केलेटल मसल की सेल हुई, ठीक है, स्केलेटन हुआ खुद, बोन्स वगैरह सभी पे काम करता है, मोस्ट ऑफ सेल्स हैं उन पे काम करता है। क्या करता है ध्यान से समझो, पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है उसका आपको समझना है, ठीक है। देखो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट स्मॉल प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन्स नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, क्या, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और अब हम अभी के बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को लिखेंगे IGF करके, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे करके, ठीक है। दीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज सोमेटो मेडिन्स, सोमेटो मेडिन्स, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, सोमेटोमेडिन्स, तो ये क्या करते हैं, लीवर सेल हुआ, लीवर सेल, बोन्स,
ठीक है, स्केलेटल मसल, मसल इन सब पे काम करता है, इन सब पे काम करता है। और क्या करता है देखो ध्यान से समझो, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यहां लिख रहा हूं इसके काम सारे के सारे इस साइड में, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एनर्जी के लिए प्रोटीन को काम में नहीं आने देता है, ठीक है, बचा के रखता है। डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये क्या करता है, अब देखो प्रोटीन तो एनर्जी खूब बनेगी, मतलब प्रोटीन खूब होगा तो क्या होगा, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड स्केलेटल मसल, स्केलेटल एंड स्केलेटल मसल, स्केलेटल एंड स्केलेटन मसल, फैट पे क्या करता है ध्यान से समझो, फैट पे, फैट पे ये करेगा लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस फैट को तोड़ देता है, ठीक है, और एटीपी फॉर्मेशन में काम लेता है, इंक्रीज एटीपी फॉर्मेशन, लाइपोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा वो भी सुन लीजिए, डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर एटीपी, ठीक है, ये एटीपी फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज को बचा लेता है, प्रोटीन को बचा लेता है, फैट को एनर्जी देने के लिए लगा देता है, एडिपोज टिश्यू से फैट को तोड़ तोड़ के एनर्जी दिलवाने लगता है, ठीक है। डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर एटीपी, ठीक है, और फंक्शन लिखेंगे एक बार, इतने लिखो, होते ही बताना जल्दी, डन। देखो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, कब रिलीज होगा, जब हाइपोथैलेमस से आएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज आल्सो नोन एज सोमेटोक्राइनिन, ठीक है, जब सोमेटोक्राइनिन आएगा ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, वो क्या करेगा अलग बात है, ठीक है, ये इनहिबिट होगा GHIH, हाइपोथैलेमस से होगा सोमेटोस्टेटिन बोलेंगे, सोमेटोस्टेटिन यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, सीक्रेट स्मॉल प्रोटीन हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, जो कैसे काम करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, नाम है IGF, ठीक है, और इनको बोलते हैं सोमेटोमीडियंस, ठीक है, इसके जैसा ही काम करने लग जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करवाता है सेल से, लीवर सेल, बोन, स्केलेटल मसल वगैरह पे काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन का एनर्जी के रूप में
जो यूज हो रहा था उसको कम कर देगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम कर देगा, ब्रेकडाउन कम करेगा तो मसल फॉर्मेशन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन को लगा देगा, तो स्केलेटल मसल और बोन डेवलप होने लगेगी ढंग से, ठीक है। फैट का लाइपोलाइसिस कराएगा, एडिपोस टिश्यू से फैट को तोड़ देगा, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन ज्यादा कराएगा फैट से, ठीक है, बट ग्लूकोज को बचा के रखेगा, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए हाँ जी आगे चलो, नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ मैं चल रहा हूं। लीवर पे एक स्पेशल फंक्शन लिख लो इसका, लीवर पे ये क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज रिलीज इनटू ब्लड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और क्या बना देता है आपके, ग्लूकोज बना देता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने लगता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने लगता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो आपको आगे चलना है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो ये मोस्टली रिलीज्ड इन डीप स्लीप, ठीक है, डीप स्लीप, ठीक है, इंसान बहुत गहरी नींद में सोए, खूब सोए, ठीक है, तो ये रिलीज होता है, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है, जब ऐसा होता है, ठीक है, जब गहरी उसमें नींद में सोए तो ये रिलीज होता है, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंट जो खूब नींद लेते हैं, खूब सोते हैं, हैं पढ़ते भी नहीं है उसके चक्कर में, उनके लिए एक तो फायदा ही है, जीएस तो कम से कम रिलीज होगा। लास्ट में ये ग्लाइकोजन ये लिखा है, ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, हाँ जी, जीएच में मोस्टली रिलीज्ड इन डीप स्लीप, ठीक। तो कैसे रेगुलेट करता है, एक रेगुलेशन और हमको याद रखना पड़ेगा इसका, ब्लड ग्लूकोज लेवल से, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल से, ठीक है। देखो ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बचा के रखता है, नया भी बनवा देता है कि न्यूरॉन्स के लिए ग्लूकोज काम में आ जाए, ठीक है, इस वजह से, और कभी बॉडी को जरूरत पड़े तो बॉडी खुद भी काम में ले सके, ठीक है। तो मान लो बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया होता है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया होता है, किसी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ठीक है, तो बात होगी हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा क्या, देखो इसकी वजह से रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ठीक है, GHRH रिलीज होते ही एक चीज होगा क्या, इंक्रीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, एंड इंक्रीज GH, ठीक है, दोनों बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दोनों को दोनों इंक्रीज होने लगेंगे, लीवर पे बात होगी, ठीक है, उसके बाद जाएगा लीवर, लीवर पे क्या होगा ध्यान से समझो,
ये लीवर रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड, लीवर रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, जो हाइपोग्लाइसेमिया था वो नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है। 90 से 100 mg/dL वेट करेगा, ये 100 mg/dL तक होने का। ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होने लगेगा यदि फ्रीज हुआ, इफ फर्दर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इफ फर्दर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर से यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ा तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, ठीक है। यहां से देखो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, ये नेगेटिव वाले साइन बना रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और क्या होगा, डिक्रीज रिलीज ऑफ GHRH, ठीक है, डिक्रीज रिलीज ऑफ GHRH, ये हो जाएगा डिक्रीज रिलीज ऑफ GHRH। ठीक, बात करें यदि हाइपरग्लाइसेमिया हुआ तो क्या होगा, देखो हाइपरग्लाइसेमिया हुआ तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से देखो ये चीज होगी, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH, हाइपोथैलेमस से GHIH आएगा, तो देखो ये चीज होगी इंक्रीज GHIH। इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये चीज होगी डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन एंड डिक्रीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, दोनों डिक्रीज होने लगेंगे, ये लीवर की तरफ जाएंगे, ठीक है। लीवर क्या बोल रहा है, क्या करेगा, देखो डिक्रीज या फिर स्लो स्लो रिलीजिंग ऑफ स्लो रिलीजिंग ऑफ इनटू ब्लड, जो ग्लाइकोजन टूट रहा था वो कम हो जाएगा, ग्लाइकोजन टूट रहा था वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, 90 to 100 mg/dL की तरफ होने लगेगा, इसके बाद क्या होगा, इफ फर्दर डिक्रीज, इफ फर्दर डिक्रीज हाँ जी क्लियर होते हैं, बताओ if further decrease
इफ फर्दर डिक्रीज, यदि फिर कम हुआ तो क्या होगा, यहां से फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा आपके, ये गया नेगेटिव फीडबैक, और क्या होगा यहां पे देखो क्या होने लगेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से डिक्रीज रिलीज ऑफ GHIH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कम रिलीज होने लगेगा वापस, ठीक है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसे मेंटेन करेगा, जल्दी बना लो इसको, ठीक है, देखो सिंपल है, हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो हाइपोथैलेमस से GHRH रिलीज होगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ेंगे, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये कम हो जाएगा, ऐसे हाइपोग्लाइसेमिया में ऐसे होगा। डन, टाइम मत लगाओ प्लीज, हाँ जी चलो ये खत्म। ग्रोथ हार्मोन मेरी तरफ से मैंने खत्म कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड हार्मोन, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेकंड, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जी, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, देखो अभी याद करते हैं तुरंत, जैसे ग्रोथ हार्मोन याद किया वैसे, इट इज ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोफिन हार्मोन, ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोफिन हार्मोन, फ्लैट वाले ट्रॉफिक हार्मोन से सारे के सारे थायरोट्रोफिन हार्मोन, हाँ जी, कैसे कैसे काम करता है ध्यान से समझो, ठीक है, ये आपके TSH थायरोट्रोफिक हार्मोन का एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी थायरोट्रॉपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, कब इसका रिलीज बढ़ेगा, जब हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, हाइपोथैलेमस से आपके आएगा कौन सा हार्मोन, थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन TRH आएगा, तो ये इधर आएगा, ठीक है, इंक्रीज 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 TSH को इंक्रीज करेगा, ठीक है, TSH को इंक्रीज करेगा, हाँ जी आगे चलें,
कहां गए भाई? सो गए, जग रहे हो, उठ रहे हो, क्या है? हैं? ये मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? हो ना, अस्तित्व है ना, गए थोड़े हैं। हाँ तो फिर सुनो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये आपके काम करेगा किस पे? थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड, ये आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगी वो देखिए, फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ T3, फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन, T4 थायरोक्सिन, ठीक है, ये इनका रिलीज इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होने लगेंगे थायराइड की उससे, तो इनकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो लिखिए, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, और क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, कैसे मिलेगा ये हम थायराइड में जाके पढ़ेंगे, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन BMR बढ़ेगी, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन कैसे क्या होगा सब उसी के अंदर जाके पढ़ेंगे। एक चीज और, इंक्रीज लाइपोलाइसिस, लिपिड भी टूटने लगेगा, लिपिड भी टूटने लगेगा, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ये चीज याद रखनी है। तो एक बात बताओ, देखो बहुत ज्यादा TRH आया, मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आया, तो क्या हुआ, TSH जिसको बोलते हैं थायरोट्रोफिन हार्मोन, ये इंक्रीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसने इफेक्ट किया थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड ने रिलीज किए T3 एंड T4, तो ये दोनों के दोनों T3 एंड T4, तो क्या होगा देखो, एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 एंड T4, एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 एंड T4, ठीक है, ये देंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और क्या करेंगे, इनहिबिट, यहां लिख रहा हूं, अच्छा उधर तो जगह ही नहीं है इतने ऊपर, ठीक यहीं पे लिख देता हूं, इनहिबिट TRH एंड TSH, TRH एंड TSH, तो इनहिबिशन जो इसका होता है वो किससे होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 T4 इन दोनों को कम कर देते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में लिख रखा है कि इनहिबिटरी हार्मोन,
ठीक है, जो और है वो कौन सा है, जी एच आई एच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ये भी इसके लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, किसके लेवल को कम कर देता है, देखो टीएसएच को भी कम कर देगा और इसको भी कम कर देगा, जी एच आई एच प्रोटियोलाइसिस नहीं है, लाइपोलाइसिस है। ठीक है, एक एक और लिख दीजिए, इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज बीपी, इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज बीपी, ये भी करता है थायराइड, इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज बीपी कैसे करता है, बात करेंगे जब थायराइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए मेरे साथ, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। हाँ जी, टीएसएच हम पढ़ रहे थे, ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से, इट इज रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड बाय रिलीज ऑफ थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से ये स्टिमुलेट करता है, इसको रिलीज होने से थायरॉइड रिलीज होगा, थायरॉइड ग्लैंड पे इफेक्ट आएगा, T3 T4 रिलीज होगा, ये इफेक्ट आएंगे कौन कौन से, इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज बीपी इंक्रीज बीएमआर इंक्रीज हीट प्रोडक्शन इंक्रीज लाइपोलाइसिस। ठीक है, ये सारे ज्यादा होंगे, जब ये ज्यादा होंगे तो वापस टीआरएच और टीएसएच कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है जी एच आई एच भी इसको, जी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी इसको कम कर देते हैं। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट थर्ड हार्मोन, दिमाग में पिक्चर बना लेना ढंग से। ठीक है, थर्ड हार्मोन एफएसएच, थर्ड हार्मोन एफएसएच पूरा नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये एफएसएच, एफएसएच हाँ जी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से आपके रिलीज होगा कौन सा, जीएनआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, जीएनआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा FSH के रिलीज को, FSH के रिलीज को, और FSH जब रिलीज होगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, ये इसके फंक्शंस, मेल के अंदर अलग फंक्शन होंगे, फीमेल के अंदर अलग होंगे, पहले फीमेल्स का पढ़ते हैं, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, गर्ल्स फर्स्ट, सॉरी, फीमेल्स की बात करें तो देखो क्या क्या होगा इसके अंदर, सीधी सीधी बात लिखो, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फोलिकल, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फोलिकल, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ
ईस्ट्रोजन, इसमें भी मिस्ट्री थी कल, ईस्ट्रोजन में भी। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हॉर्मोन, ईस्ट्रोजन ठीक है, मेल्स के अंदर क्या कर रहा था ये, मेल्स के अंदर क्या कर रहा था, FSH इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो ये FSH है ठीक है, तो जैसे ही अब देखो टेस्टोस्टेरोन के से के इफेक्ट से स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ेगा, इफेक्ट तो अल्टीमेटली तो उसी का लगेगा ठीक है। तो क्या देखो, दो चीजें हुई यहां पे, इनकी वजह से FSH जैसे काम करेगा फीमेल्स और मेल्स में दो चीजें होंगी, इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज हाँ जी टेस्टोस्टेरोन, और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपके देगा। इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है इसका, हाइपोथैलेमस कोई इनहिबिटरी हार्मोन इसका रिलीज नहीं कर रहा कि इफेक्ट इस पे फीडबैक देगा, ये दिला दो नेगेटिव फीडबैक, डिक्रीज 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 ये FSH को भी डिक्रीज करेगा और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी डिक्रीज करेगा। क्लियर होते ही बताओ, हाँ जी तो डन, सिंपल है FSH GnRH से FSH रिलीज होगा, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ाएगा, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा जिससे स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा होगा, दोनों बढ़ेंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से बंद हो जाएगा। हाँ LH ही करता है, हम कब बोल रहे हैं, हमने कहाँ लिखा है, हमने कहाँ लिखा है, हमने भी नहीं लिखा भाई टेस्टोस्टेरोन ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके LH हार्मोन, GH हार्मोन सॉरी LH हार्मोन फोर्थ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन ठीक है, ये आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से आपके रिलीज होगा कौन सा, सेम GnRH
गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो एलएच पे आएगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या हुआ, क्लियर क्यों नहीं यार? हाँ, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इंक्रीज करेगा इसके लेवल को, इंक्रीज कर दिया इसने लेवल, ठीक है। तो देखो इसके क्या क्या फंक्शन होंगे वो ध्यान से सुनो। एलएच फंक्शंस, फीमेल, फीमेल कैंडिडेट है उनपे क्या होगा, इट ट्रिगर द ओवुलेशन, इट ट्रिगर द ओवुलेशन, ठीक है, ट्रिगर द ओवुलेशन ये करेगा। दूसरा, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओवुलेशन के, ओवुलेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एक काम और लिखो, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, और लिखिए बोथ एफएसएच एंड एलएच, क्लियर होते ही बताना एक बार। हाँ जी, पता है कनेक्टिविटी गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो देखो तीन चीजें लिखी, फीमेल्स के अंदर ट्रिगर दी ओवुलेशन, और ओवुलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बनेगा, उसके फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा, कार्पस ल्यूटियम जेस्ट्रोन रिलीज करवाएगा, ठीक है। एफएसएच और एलएच दोनों के दोनों ईस्ट्रोजन रिलीज कराते हैं, कहां से, ओवरीज से, ओवरीज से ईस्ट्रोजन रिलीज कराते हैं। मेल के अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर, मेल्स के अंदर क्या करेगा, स्टिमुलेट दी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन, स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन, स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन बाय टेस्टिस, ठीक है। देखो ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी, तो एक चीज और होगी, क्या होगा, एलिवेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एलिवेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एलिवेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, तो इनका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगेगा, यहां से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप ले आओ, ठीक है, इसका रिलीज कम होने लगेगा। नेगेटिव फीडबैक क्लियर होते ही बताओ, नेगेटिव फीडबैक। हाँ एलिवेटेड होगा, प्रोजेस्टेरोन भी होगा, बट ईस्ट्रोजन के लेवल से मेनली नेगेटिव फीडबैक जाएगा इसका, ठीक है, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों से नेगेटिव फीडबैक इसका जाएगा, ठीक है। तो एलिवेटेड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन गिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ एलएच, ठीक है, क्लियर है। मैं आगे चलूं फिर, आगे चलें, नेक्स्ट आता है आपके प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, इस ये भी आपके कौन करेगा, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन होगा हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, उसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच, पीआरएच इस पे, ठीक है, पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, हाँ जी, और इसका इनहिबिशन करेगा, वो करेगा इनहिबिशन बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन पीआईएच, पीआईएच नहीं लिखा है ना, आप टेंशन मत लो, मेरे को पढ़ाने दो ना, ठीक है, अनुराधा पूर्वा पढ़ाने दो प्लीज, पांच मिनट में सही हो, ठीक, ये क्या करेगा आपके डिक्रीज, एक तो आप रुकते नहीं हो, थोड़ी देर भी नहीं रुकते, नहीं बताया था मेरे को भी पता है, नहीं बताया था, वाला नोट्स भी आपको बता देता हूं, हाँ जी,
कल जो कल हमने पीआईएच लिखा था उसकी जगह, हाँ जी पीआईएच भी, उसको पीआईएच बोला होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, पीआईएच भी होता है, पीआरएच भी होता है। हाँ जी क्लियर होते ही बताओ, एक बार क्लियर करता हूं मैं, टेंशन मत लो। हाँ जी वेट कर रहा हूं मैं वीडियो क्लियर होने का। हुआ क्लियर कुछ? दिखेगा, बोर्ड भी दिखेगा, एक बार नेट तो आने दो। अब ऐसा नहीं हो कि अब रुक जाए बीच में, ठीक है, एक हार्मोन और बचे। आएगा, बोर्ड भी आएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी वेट कर रहे हैं हम, ठीक है वेट कर रहे हैं। देखो मैं तब कुछ लिखता रहता हूं। हाँ क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो आपको वो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, हमने वहां पीआईएच लिखा था, तो पीआईएच भी होता है, पीआरएच भी होता है, ठीक है, पीआईएच भी होता है, पीआईएच भी होता है, पीआरएच भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। जो पीआईएच होता है, ठीक है, वो होता है डोपामिन, जो पीआईएच होता है वो होता है डोपामाइन, ठीक है, या डोपामिन, ठीक। तो आप वहां से पीआईएच, पी से आप देखो डोपामिन यदि अलग से याद रख रहे हो, पीआईएच करके अलग से याद रखोगे तो उसको आप याद रख सकते हो पी से पीआरएच, रिलीजिंग हार्मोन करके याद रख सकते हो। ठीक है, ध्यान रख लेना, दोनों है, पीआरएच भी है, पीआईएच भी है, ठीक है, बट पीआईएच स्पेशली कौन सा है आपके? डोपामिन है, ठीक है, ये पीआईएच का काम करेगा। यहां पे फंक्शन पे जाते हैं, क्लियर किया मैंने उस बात को, ठीक है। वहां पी से आप पीआरएच याद रख सकते हो, बट पीआईएच फिर अलग से याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, डोपामिन। हाँ जी चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शंस इसके। फंक्शंस जो है इसके फीमेल कैंडिडेट्स में क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। मिल्क सीक्रेशन, सॉरी, हाँ, इनिशिएट मिल्क सीक्रेशन, इनिशिएट मिल्क सीक्रेशन, हाँ जी दोनों रिलीज होते हैं, ठीक है, मिल्क सीक्रेशन। दूसरी बात करें, इंक्रीज, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके साथ ही, इंक्रीज ब्रेस्ट टेंडरनेस, इंक्रीज ब्रेस्ट टेंडरनेस, टेंडरनेस जस्ट आफ्टर, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है,
जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो होने के बाद अचानक से लेवल बढ़ता है आपके प्रोलैक्टिन का, जिसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन राइज ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। मेल कैंडिडेट्स की बात करें, ठीक है, चलो एक पॉइंट और बच गया इसके अंदर, स्टार लगा के लिख लो, ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज पीआईएच। ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज पीआईएच। तो क्या होगा, जब पीआईएच कम होगा, ये कमी हो जाएगा, तो क्या होगा, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। मेल्स के अंदर फंक्शन नॉट नॉन, कोई पता नहीं है एक्चुअल में क्या फंक्शन करता है, ठीक है, बट हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन यदि होता है, हाइपर सीक्रेशन होता है प्रोलैक्टिन का, तो वो क्या कर सकते हैं मेल्स के अंदर, आपके कर सकते हैं मेल्स के अंदर इंपोर्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे मेल, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करेगा, और फीमेल के अंदर क्या करेगा, फीमेल्स के अंदर करेगा ये गैलेक्टोरिया, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट लैक्टेशन, ठीक है, और ये दूसरा क्या करेगा, एमेनोरिया भी कर सकता है, मेंसेस एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके कहानी रही प्रोलैक्टिन की। ठीक है, देखो वन पॉइंट से रिवाइज करो सारे की सारी, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, प्रोलैक्टिन क्या क्या काम करेगा, ये काम करेगा मिल्क सीक्रेशन करवाएगा, ठीक है, अकेला ही नहीं करवाता, और भी बहुत सारे हार्मोन्स के हेल्प लेता है, ठीक है, मेल्स के अंदर इंपोर्टेंस हो जाएगी, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, फीमेल्स के अंदर गैलेक्टोरिया हो सकता है और एमेनोरिया हो सकता है। समराइज करा दिया ना, ठीक है, हाइपर सीक्रेशन से ये दोनों चीजें होंगी दोनों के अंदर। नेक्स्ट, डोपामाइन इसका इनहिबिटरी हार्मोन होगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है,
सिक्स्थ होगा आपका जो हार्मोन है ACTH, एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ये आपका ACTH किस पे काम करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे काम करेगा, ठीक है। इसमें भी हाइपोथैलेमस से आएगा आपके रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से आएगा आपके कौन सा? CRH, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH, CRH ACTH को स्टिमुलेट करेगा, देखो बढ़ रहा है ना ऊपर की तरफ, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ठीक, ACTH क्या फंक्शन करेगा? देखो ACTH को और भी बहुत सारी चीज क्या कर सकती है? स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है। एक तो ये मेन तो यही है, इसके अलावा कौन कर सकता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, और मैक्रोफेजेस एक आपके केमिकल मीडिएटर रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिंस, इंटरल्यूकिंस वन, कौन रिलीज करते हैं? मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं किसके रिलीज को? ACTH को, एडिनो कोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। इससे होगा क्या, क्या करता है ये? देखो, रेगुलेट प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल एंड अदर ग्लूको, अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, अदर कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, इनके वजह से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो एक रिजल्ट मिलेगा इसकी वजह से हमको, क्या मिलेगा? इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देख नहीं रहा शायद आपको, यहां लिख रहा हूं, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, ठीक है। ये आपके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, थोड़ी सी इसको भी देगा, ठीक है, बाकी आपके CRH को देगा, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपके दिया है इसने, ये लो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा और ये बंद हो जाएगा, मतलब रेगुलेट हो जाएगा, बंद होने का मतलब ऐसे है।
हाँ जी ये हो गया। नेक्स्ट हॉर्मोन जो इंटरमीडिएट उससे आ रहा था डन डन मिटा दूं। नेक्स्ट आ रहा था इंटरमीडिएट से MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख देता हूं आगे मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ये MSH ठीक है। इसकी बात करें MSH क्या करता है इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन। इसकी वजह से क्या होता है डार्कनेस ऑफ स्किन, डार्कनेस ऑफ स्किन। रिलीजिंग हार्मोन आपका ठीक है और इनहिबिटरी हार्मोन इसका अरविंद सर बोल रहे हो आप नर्सिंग एक्सपर्ट के अरविंद सर, अरविंद सर बोल रहे हो अरविंद कुमार थोरी, अरविंद सर बोल रहे हो आप प्लीज रिप्लाई कीजिए जल्दी। हेलो नमस्कार साहब ठीक है। एक कोरोना जैसी संकट भरी परिस्थिति में एफर्ट्स लगा रहा हूं जिसका कोई मिशन नहीं है ठीक है, जिसका पता नहीं कहां जाके रुकेंगे कैसे होंगे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे मेरे सब्जेक्ट में बियॉन्ड सब्जेक्ट में ठीक है। जितना हो पा रहा है उतना कर रहा हूं सर जी। चलो अब इधर आ जाओ जल्दी फिर बाद में बात करना ठीक है, डिस्टर्ब नहीं प्लीज ठीक है। हाँ जी रिलीजिंग हार्मोन ध्यान दो इधर ध्यान दो। इधर ध्यान दो एक बार देखो इधर ध्यान दो आप ठीक है। देखो क्या है कि भाई इस हार्मोन की एक स्पेशल खास बात है सुनना चाहोगे हाँ या ना बोलो, सुनना चाहोगे इसकी स्पेशल पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना चाहोगे इस पे ठीक है बस सुनना चाहोगे ना तो ध्यान से सुनो। जो टीचर आपको ये पढ़ा रहा है ना
इसका ठीक है, ये हार्मोन है ना MSH, ठीक है, इसका जो टीचर आपके ऊपर आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर खूब कृपा बनी हुई है, ठीक है, बहुत आशीर्वाद है, ठीक है। खूब एमेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्किन पिगमेंटेशन होने की वजह से ये कलर बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना डंका, ठीक है, नजर ना लगे जैसा, ठीक है, सुरमा लगाने का कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। ये किसकी वजह से, मेलेनोसाइट, मास्टर वाला मेलेनोसाइट याद रख लो, ठीक है, मास्टर का काला कलर क्यों था, मेलेनोसाइट, एम से याद रख लो, मास्टर वाला कलर कौन सा, मेलेनोसाइट। ठीक है, और देखो अब इंपॉर्टेंट आपके रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है इसका, इसका रिलीजिंग हार्मोन है CRH, कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजिंग हार्मोन है CRH। और जो आपके इनहिबिटरी हार्मोन है दैट इज डोपामाइन, इनहिबिटरी हार्मोन है आपके डोपामाइन, दोनों याद रखने हैं, दोनों ही मतलब याद रखने रहने लायक है नहीं, ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन CRH, ये लो, इनहिबिटरी हार्मोन वो भी डोपामिन है भाई, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एक तरह का हार्मोन भी है, एक और रह गया, ठीक है, एक और रह गया, ये तो बीच में इंटरमीडिएट वाला उठा लिया हमने, एक और रह गया एट्थ नंबर का आपके एंडोर्फिन, एंडोर्फिन, ठीक है, इतना बड़ा हार्मोन नहीं है, बहुत सारे लिम्बिक सिस्टम इसको मेंटेन करता है, ठीक है। एक ही पॉइंट आप याद रखोगे क्या, क्रिएट हैप्पीनेस, प्रोड्यूस हैप्पीनेस, प्रोड्यूस हैप्पीनेस विद द हेल्प ऑफ डोपामाइन एंड सीरोटोनिन, विद द हेल्प ऑफ डोपामाइन एंड सीरोटोनिन, ठीक है, इसको जनरली पढ़ते नहीं है, ठीक है, आपको भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हैप्पीनेस की बात आए तो तीन याद रखे, डोपामाइन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, एंडोर्फिन याद रखो, मोरफिन, मोरफिन लाइक हार्मोन एंडोर्फिन, ठीक है, मोरफिन खुशी। तो ये थी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स, कुछ इंटरमीडिएट वाले, पोस्टीरियर वाले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक, मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, 2 मिनट में फीडबैक दीजिए जिससे हम आगे क्लास खत्म कर पाए। कैसा लगा आपको एंडोक्राइन पढ़ के, सब याद होगा भाई, टेंशन मत लो, सब याद होगा, बहुत बहुत आभार आपको। बहुत बहुत आभार आपको जो आपने
डोपामाइन हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर दोनों का काम करता है, डिपेंड करता है। रवि वैष्णव सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी तुलना एक नर्सिंग फील्ड के बहुत बड़े स्टार से की, भले ही कम हो बट मैं भी उनसे पढ़ाऊं। रवि सर जिन्होंने भी कैलाश सर की बात की, ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशी है मैं कि उन्हीं से मैंने भी एंडो पढ़ाया किसी जमाने में। प्रियंका शर्मा मैडम बोल रहे हैं कि ओल्ड कोचिंग सेंटर में भी बेस्ट लगती थी क्लास, यहाँ पे भी अच्छी बात है, देखिए बने रहिए, मेरा कहने का मतलब ये पढ़ते रहिए बस। क्लास का टॉपिक डिस्कशन ओवर है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ने के लिए ही स्टूडेंट आए थे वो जा सकते हैं, ठीक है, मतलब लीव कर सकते हैं क्लास, अभी पढ़ने की कोई बात नहीं करेंगे, मैं स्टूडेंट से वैसे ही बात कर रहा हूं दो चार मिनट। रवि वैष्णव सर एक तो देवांशु सर की जो क्वेश्चनिंग है ना वो बहुत अजीब है, बेकार है, ठीक है, टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, हमेशा डी ट्रैक करने की कोशिश करती है आपकी क्वेश्चनिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि देवांशु जो शर्मा है वो गलत पूछते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा, बट वो डी ट्रैक होता है टीचर, उससे सारे क्वेश्चन इनके आते हैं, वो डी ट्रैकिंग क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये शुरू से अब तक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देवांश सर एक बार देखो हमको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी एम्स में जाने के लिए, ठीक है, तो हम उन्हीं चीजों का डिस्कशन करेंगे जो हमारे टॉपिक्स क्लियर कर दें और हमको अच्छा समझा सके, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है भाई, फोर्थ ईयर में भी क्लास देखते हो तो। हाँ जी, तो मेरा कहना आपसे यही है कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला इंसान है वो लड़ाई लड़ तो सकता है, जंग लड़ तो सकता है पर जीत नहीं सकता, ध्यान रख लेना। उसकी बहादुरी की गाथाएं गाई जा सकती हैं बट वो विनर नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे को आपका साथ चाहिए, आप डे नाइट आप पढ़ो, ढंग से पढ़ो, टेस्ट के सारे क्वेश्चंस पे काम करो, की पॉइंट्स बनाओ, उनको पढ़ो लिखो, ठीक है, बार बार कैसे भी करके नेगेटिव कंट्रोल करो, तब जाके अरे आप में से 10-15-20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया ना, ठीक है, जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सफल हो जाएगा पढ़ाना, मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वैसे नर्सिंग जिसने की है थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है। जैसे आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरी तरह चैनल शुरू कीजिए, ठीक है, दूर दराज के लोग हैं, ठीक है, जो बड़े सेंटर्स में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, बड़ी जगह पे नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, उनको घर तक एजुकेशन पहुंचाइए, भले ही उसके लिए आप 20-30 रुपए 40 रुपए ले लीजिए। नहीं देवांशु सर सॉरी सर, सॉरी की बात नहीं है, मैं तो आपको वैसे ही बोला है, आप मेरे बहुत रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर पढ़ते हो इसलिए समझा रहा सही है सर देवांश सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पढ़ो मस्त होके, एक बार पढ़ो देखो, मैं भी तो आपको सही तरीके से लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप सेफ हैंड्स में हैं, ठीक है, ऑनलाइन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना,
ठीक है, मतलब पेमेंट वगैरह का कोई नहीं होता है। ठीक, अब आपको देखो जो भी फ्री का टेस्ट होगा वो टेस्ट देना है, पेड वाला तो देना ही देना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, जो पेड टेस्ट हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे 26th को, 26/04/2020 इसको पेड टेस्ट लेके आएंगे, कल की हम छुट्टी रखेंगे। ठीक है, कल की छुट्टी रखेंगे और क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। कल टेस्ट तैयार करना पड़ेगा मेरे को पूरी तरीके से, पूरे जोश के साथ टेस्ट देना है, पेड टेस्ट है। ठीक है, 350 रुपए में 15 टेस्ट मैंने अवेलेबल कराए, पूरे जोश के साथ टेस्ट देना है कि देखा जाएगा इस बार क्या होगा, कितना नेगेटिव होगा, क्या होगा, संभाल लेंगे एक बार, कैसे भी कुछ भी हो भले। देव LNJP महेंद्र सैनी सर, वेलकम है आपका। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनके चीफ एडिटर हैं महेंद्र सैनी सर। ठीक है, मेनली यही करते हैं गलतियां टेस्ट में, इधर से उधर कुछ भी डालना, छोड़ना मत इनको। हाँ जी, तो टेस्ट सीरीज का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को टेस्ट देना है आपको। ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि आपकी कैसे नेगेटिव जो आप जा रहे हो, ठीक है, जो आप नेगेटिव जा रहे हो, ठीक है, उसको कंट्रोल करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक हो, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी टेस्ट दे देते हैं। महेंद्र सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ठीक है, बच्चे आपके क्वेश्चंस का लेवल सर वो लेवल है आपके क्वेश्चंस का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे का तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ बिल्कुल इंप्रूव करना है। ठीक है, बोर्ड टेस्ट आपको एम्स तक मैं 50 टेस्ट करा दूंगा, टेंशन मत लो। इमेज वाले क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ, ठीक है, हमारे एक और सर हैं वो बनाते हैं, आप टेंशन मत लो, पूरे पैनल आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, उस पैनल को मैं आगे मेरे कंधे पे रख के चल रहा हूं, कोई नहीं बनाएगा तो मैं बनाऊंगा, वैसे सर मेरे साथ हैं आज से नहीं 1.5 साल से टेस्ट सीरीज बना रहे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो फिर आभार तो हो गया आपका, परसों के दिन का टेस्ट है, कल की शायद छुट्टी रखेंगे। हाँ एक चीज और, अब मैं हर ग्लैंड के हार्मोन पे नहीं जाऊंगा, अब मैं डिस्कस करूंगा क्या, ठीक है, देखा हाइपोथैलेमस कर लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड कर लिया, तो अब पिट्यूटरी के डिसऑर्डर यहीं पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में पिट्यूटरी के डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पिट्यूटरी के, तो आज के लिए इतना ही, देखता हूं आप टेस्ट के अंदर क्या करते हो, पूरा टेस्ट को ढंग से अटेंड करना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट ने अभी तक किसी वजह से टेस्ट नहीं दे पाए या रह गए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके टेस्ट करा देंगे, जो 2 टेस्ट चले गए वो करा देंगे। ठीक है, उनको इस मोबाइल नंबर पे वो करना है मैसेज कि मेरे को ज्वाइन करना है भाई, ठीक है, आपका पेज बन चल रहा हो, ठीक है, ये मेरा खुद का ही नंबर है, मॉर्निंग में क्लास होगी तो बता देंगे, नहीं होगी तो भी बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, आज शाम को आपके पास मैसेज आ जाएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। ठीक है, और भगवान करे आपको एम्स मिले, मिलेगा 100%, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।